इट्स नाइन थ्री पॉइंट फाइव रेड एम पर आई एम मुंबई की रानी मलिश का और आज मुझे ऐसे लगता है कि जितनी भी बातें मैं करूंगी ना वो बस अभी के लिए होंगी क्योंकि इसके बाद जो टेक ओवर करने वाली है ना शी इज़ नॉट अ वॉइस दैट जस्ट मेल्ट मेल्टअर सोल विथ हर सिंगिंग वो एक्चुअली बाकायदा बोलती है today with me is a super singer composer lyricist a woman with a voice and you know her for so much beyond her music because aur uh, aate hi unhone mujhse ye bhi kaha dekho manish ka ऐसे ऊपर ऊपर की बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों power women है, उसको हैं उसको पता है हम दोनों ऐसी वाली बातें करते हैं so, वी आर ट्राइंग टू डिसाइड कि आज हम बातें करेंगे या गाने गाएंगे इतने में मैं इंट्रोड्यूस हुई संजय दास से ही इज द मैन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू सोना महापात्रा उनका एसोसिएशन ऑफकोर्स बहुत सालों से चलता चला आ रहा है ही इज ऑसम हिज फैबुलस ही वर्किंग इन द इंडस्ट्री फॉर रियली रियली लॉन्ग एंड वे अनफॉर्चुनेट दट ही इज योर विथ हर क्यू

इसलिए शुरुआत भी हो गई थी थोड़ी दिल की बात मैंने यहाँ वहाँ कह ली लेकिन हक से आप अपनों के साथ ही ऐसे बात करते हो और आ, बापी भी मेरे साथ 12 साल स्टेज पे आ, जुड़े हुए हैं और उसके अलावा सब गानों में बापी के बिना मेरा गाना नहीं बनता है ही इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ माई म्यूज़िक आई एम वेरी प्राउड टू शेयर द स्टेज विथ हिम शुरुआत करना चाहूँगी मैं नूर के साथ और आ, ये वैसे तो गाना जब बना था तो दिल से बना था अंबर सरिया का सिस्टर सॉन्ग है पंजाबी फोक इसके हार्ट में है लेकिन लिरिक्स और बहुत सारे पार्ट्स फ्रेश हैं और जो स्पोकन वर्ड है इसमें शेर व शायरी जो कहें पंछी मुझसे पूछ रहे या वगैरह वगैरह वो मेरे ख्याल से इट इज़ सेलिब्रेट्स माइंड नीड टू बी स्टोरी टेलर क्योंकि नूर जो वीडियो है वो एक ट्रिलिजी का पार्ट है और पार्ट वन है एंड शी इज़ अ सोलो ट्रिपर शी इज़ अ एडवेंचरर एंड शी इज़ अ करेजी जिप्सी वन जो मैं हूँ <laughs> <वो laughs> अगर मुझे पहचानते हैं <laughs> और फैशन ईस्टा भी है और अपने टाइप की क्योंकि डजेंट बिलीव के नेसरली फिटेड कपड़े पहने होट लगने के लिए नूर बहुत ही हॉट है लेकिन शी इज़ वेरिंग क्लोथ इन हर ओन वे नो नो आउटफिट चेंजेज़ हुए हैं लेकिन कमिंग बैक क्विकली टू द सॉन्ग आई वुड लाइक टू डेडिकेटेड टू लता जी क्योंकि जब लास्ट बार मैं उन्हें मिली थी सोनू निगम के घर में था uh, उनके पैर छुए थे मैंने आशीर्वाद लिए थे और लता दीदी ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि दो लाइन गाए थे मेरे जिया ला ना तुम बिन मोरा जिया ला ना तुम बिन मोरा जिया ला ना तो ये तो ऊपर वाला नहीं गाता था, था बट आई जस्ट गॉट कैरड अवे बट आई वॉज शॉक मलिश का कि वो एक तो मुझे पहचानती थी वही शॉकिंग बात थी क्योंकि मैं आई वॉज जस्ट हैप्पी टू ब्रीद दी एयर शी वॉज ब्रीदिंग और उसके ऊपर गाना भी पहचानती थी और दो लाइन गा के उन्होंने आशीर्वाद दिया उससे बड़ा ब्लेसिंग आ, क्या हो सकता है कहा कि बेटा ऐसे गाना गाते रहना तो आई जस्ट थिंक ये हफ्ता बहुत ओवरवेलमिंग रहा है पूरे म्यूजिशियन कम्यूनिटी के लिए ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में जहाँ पे भी भारतीय हैं और नॉ मैंने सब कॉन्टिनेंट के जो भी लोग हों बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो एवरीबडी हैज़ ग्रीव्ड क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा मैं बताना चाहूँगी कि आ, इंडस्ट्री में ये जाना माना एनेक्टोड है कि नुसरत फतेह अली खान साहब जो हुँ. खुद कवाल जो इतने दिग्गज ब्रिलियंट म्यूजिशियन थे वो कोई रिकॉर्डिंग शुरू नहीं करते थे दिखुँ। बिफोर ही डिड नमस्कार टू लता लताजीज़ फोटोग्राफ तो उनका जो इन्फ्लुएंस और उनका जो और था वो पूरे आई थिंक पूरे सबकॉन्टिनेंट पूरे देशियों में फैला हुआ फैला हुआ रहेगा और नूर का मतलब ये भी है रोशनी लाइट एंड गोल्डन लाइट तो सोना तो मैं हूँ करेक्ट लेकिन आ, मेरे ख्याल से वो जो गाइडिंग लाइट लता जी का था इन टर्म्स ऑफ अस्पायरिंग फॉर म्यूजिकल एक्सेलेंस जो बारीकी जो ध्यान और जो साधना और जो कमिटमेंट से उन्होंने अपने पूरे लाइफ को डेडिकेट किया है संगीत के लिए आई थिंक नो बिगर नूर देन हर और उनका जो नूर है हमारे साथ हमेशा रहेगा दो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं फिल्म स्टार्स हैं वैसे थैंकफुली देर इज़ गुड गुड विल इन द इंडस्ट्री फ़ोन लगाया कि भाई विल यू बी माई हॉटी पैराम और नूर और दोनों ने हाँ किया बड़े हंकी लोग हैं और मुझे भी लगा कि वाह एक पावर मूव भी है कि लड़के लोग ही लड़कियों को नचा नचारें बम दिखा के हम भी कोई हॉटी को ले आए अपने वीडियो पे एंड ओवर नाइट आई चेंज माई माइंड वेन आई वो कप आई सेट भाई आई एम गोइ टू डू द सेम दैट रियली अर्क्स मी कि मुझे कोई फिल्म स्टार की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए अपने गाने में hmm. गाना मैंने खुद कंसेपच्चुलाइज किया है म्यूजिक स्टार जो है पूरे विश्व में हम अपने वीडियो में रहते हैं हमारे ही देश में एक्टर्स हैव टू लिप सिंक टू आर सॉन्ग्स तो कहा है कि भाई आ, नूर तो शी इज़ देंटर ऑफ हर स्टोरी और आई विल ऑडिशन जैसे मैंने 2006 में ऑडिशन करके डेब्यू करवाया था राजकुमार राव पितोबाश hmm. विजय वर्मा जयदीप आवत आजा वे आजा वे आजा भी जा बैठा क्यों बादल पीछे एक बार तो आके नीचे आह मुझसे आँख मिला आह आह वे आजा वे आजा हे आजा ओ आजा आजा ओके <laughs> आई okay? मैंने बोला था इस इंटरव्यू के बिगिनिंग में कि मैं ऑब्जर्व हो जाऊंगी एंड देन आई वोंट टॉक यू डिड नॉट इवन लेट अस अप्रिशिएट नूर नो शी वेंट इनटू द नेक्स्ट सिंग लेडीज एंड जेंटलमैन डिड यू जस्ट हियर नूर एंड द नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज नो मुझे लगता opposite. है कि uh, uh, ये लव सॉन्ग है इसमें बहुत सारा प्यार है इश्क है शायरी है और आ, हम 2022 में आए हैं और ये बात को नॉर्मलाइज कर दें कि अगर लड़की बाइक चलाना चाहती है वो कोई बड़ी बात नहीं है और लड़का पीछे भी तो बैठा दे तो उसमें भी बड़ी बात नहीं है क्योंकि जो ये आ, आ, जो चॉइसेस हैं बड़ी पर्सनल चॉइसेस हैं तो आप यूल बी शॉक कि पहले दिन जब टेंथ फेब्रवरी को गाना रिलीज हुआ hmm. मैं एक जगह गई थी बांड्रा में पार्टी करने के लिए विद अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स लिटल सेलिब्रेशन और लड़कियां थी उन्होंने अपनी लड़की दोस्त को भी बुला रखा था तो पूरे वर्किंग वुमेन वाली पार्टी थी hmm. बारह तेरह hmm. लड़कियाँ आई थी उनमें से सब इमोशनल के गले वाले मिले बोला क्या बैडेस है योर पर्सनैलिटी बिल्कुल दिस इज़ अ सोना वीडियो एंड बहुत हाँ. दिनों बाद पॉप वीडियो आया है बलाबला तो बहुत सारा प्यार मिला लेकिन जैसे आगे शॉर्ट्स शॉट्स हुए तो दो तीन लड़कियों ने अपनी <laughs> कहानी बताई दुख भरी दिन की बोली कि मेरी आज अपने बॉयफ्रेंड और मेरे एक हस्बैंड और मेरे एक वक्त कलीग के साथ पूरा दिन आर्ग्यूमेंट चला नूर वीडियो पे मैंने कहा किस बात पे इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है <laughs> फाइनली <laughs> नारी मोर्चा छोड़ के मैं रोमांटिक वीडियो कर रही हूँ <laughs> क्या प्रॉब्लम है ग्लैमरस हूँ आई एम नॉट डूइंग बॉडी शेमिंग या वाटर वाटर मैं तो कंसेप्चुअल वीडियो पैंडमिक में मैंने बहुत सारे उस टाइप के काम किए थे तो मैंने कहा बैक विद अ बैंक या कमर्शियली इसमें क्या आर्ग्यूमेंट हो सकता है तो क्या था था ये कि उनको कहा गया उनके पता नहीं कली गया कि बाइक चला रही है फिर भी ठीक है लेकिन लड़के को नीचा दिखाने की ज़रूरत क्या है कि पीछे बैठा के ये सोना का ना हमेशा तो शी शीशे कैन यू बिलीव वो ये नहीं कि कुछ छोटे टाउन का है मेरा हस्बैंड वो है बॉम्बे में पला बड़ा उसको दिक्कत हो रही है कि आपने लड़के को पीछे, पीछे बैठाया और मैंने उसे कहा क्यों मैं पीछे बैठती हूँ तो क्या मैं नीचे हो जाती हूँ तो और मैंने तो उल्टा कहा भाई मैं तो अलग टाइप की

और ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है और ये टाइम आ गया कि पूरे इंडिया में ना भारतवर्ष में आपके दिमाग में ये लाइट आ जाए कि ये पर्सनल चॉइस की बात है मेक योर चॉइसेस योर सेल्फ एंड ये जो पुरानी बातें हैं ना स्टेरियोटाइप्स की लड़की पीछे या लड़की हाइट में छोटी होनी चाहिए <laughs> मेरा तो पार्टनर मुझसे आधा हाइट का है

पंछी मुझसे पूछ रहे नूर तू क्यों यहाँ बैठी आके ये पुल तुझको किससे मिलाए जुड़े कहाँ ले जाके तो ये तो बिल्कुल जैसे यूनिवर्स के साथ एक कॉन्वर्सेशन है और फिर गाना शुरू होता है एंड देन इट प्रोग्रेस ऑन टू शेर शायरी और इंतज़ार बिकॉज nah. मुझे लगता है वैसे इंतजार के पोइट्री मुझे बहुत खुद को बहुत पसंद है दैर समथिंग वेरी रोमांटिक एंड सेंशुअल अबाउट इट यू आर अमेजिंग थैंक यू सो मच